अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर की हमें क्वांटिटी मालूम करनी है। ये हमारे पास एक वॉल दी गई है जिसकी हाइट है 10 फीट, लेंथ 15 फीट, और जो प्लास्टर की जो थिकनेस है वो है हमारे पास 1/2 इंच। ये हमारे पास लेंथ जो है, जो हाइट और लेंथ है, ये फिट में है। तो हम इस थिकनेस को भी पहले फिट में कन्वर्ट करेंगे। इंचेस में हम यूज़ नहीं करेंगे, इंचेस को हम पहले फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। ऑफ मॉर्टर है हमारे पास 1:4। इसको हमने सम किया, सम ऑफ रेशियो 1 + 4 = 5। तो अब हमने इसका वेट वॉल्यूम मालूम करना है। वेट वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है हाइट मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ प्लास्टर। हाइट थी हमारे पास 10 फीट, लेंथ 15 फीट, थिकनेस जो है वो हमने हमारे पास 1/2 इंच थी। ये देखें, ये हमारे पास थिकनेस 1/2 इंच थी। इसको हमने फिट में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हम इसका वेट वॉल्यूम मालूम करेंगे, इसका वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर मालूम करेंगे, तब हम इसको फिट में कन्वर्ट यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आएगा। इसका अब हमने ड्राई वॉल्यूम मालूम करना है। वेट वॉल्यूम हमारे पास होता है प्लास्टर की तैयारी का, यानी कि जो हमने प्लास्टर कर चुके हैं जितना उसका। तो जब हम मालूम करते हैं इसका, सॉरी मिक्सिंग कर रहे होते हैं मॉर्टर की, ड्राई मॉर्टर की हम जब मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो उसमें खुला होता है। उस खुला को पूर करने के लिए हम अजाफी मटेरियल यूज़ करते हैं। वो हम 1.27 हमारे पास जितना वॉल्यूम होगा उसको, उसका हम 1.27 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तब हमारे पास ये आएगा ड्राई वॉल्यूम। ये हम अजाफी मटेरियल यूज़ करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा सेम ही रहता है। तो ये हमारे पास इसका ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम सॉरी, मल्टीप्लाई 1.27 इसको किया तो ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। जब हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मालूम करनी है, सैंड मालूम करनी है, तो उसके लिए हम ड्राई वेट वॉल्यूम को इग्नोर करेंगे, हम ड्राई वॉल्यूम यूज़ करेंगे। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट वॉल्यूम करने का फार्मूला है रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सीमेंट थी हमारे पास 1:1। यहाँ पे जो है पहला जो होता है हिस्सा वो होता है सीमेंट का, सेकेंड जो है वो होता है सैंड का, अगर थर्ड अगर होगा कंक्रीट में अगर हो तो वो क्रश का होगा। यहाँ पे हम मॉर्टर यूज करें तो यहाँ पे दो ही है, पहला होगा सीमेंट का और दूसरा सैंड का। रेशियो ऑफ सीमेंट है 1/sum of ratio, ये हमने मालूम किया था 5 × 5 ड्राई वॉल्यूम 7.92। यहाँ पे हमने वेट वॉल्यूम नहीं बल्कि ड्राई वॉल्यूम यूज करना है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया 1.584 फीट क्यूब। ये है हमारे पास फिट क्यूब में। तो इसको हमने बैग्स में कन्वर्ट करना है। अगर हम फिट में यूज़ कर रहे हैं तब 1.27, अगर हम मीटर यूज़ कर रहे हैं तब हम इसको 0.035 m³ पे डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट किया, हमारा 1.27 बैग्स हमें मालूम हुए सीमेंट के। अब हम मालूम करेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड। इसका फार्मूला है रेशियो ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सैंड कितनी थी 4, सम ऑफ रेशियो था 5 × 7.92। इसको हमने कैलकुलेट किया 6.336 फीट क्यूब हमारे पास सैंड का वॉल्यूम आएगा। हमें इस दीवार जो डायमेंशंस दी गई हैं इसको हमने प्लास्टर करने के लिए हमें 6.33 फीट क्यूब सैंड चाहिए और 1.27 बैग्स सीमेंट के दरकार हैं।